नमस्कार दोस्तों, वैसे तो बहुत से लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए बॉम्बे आते हैं देश के कोने कोने से, लेकिन हर किसी की किस्मत साथ नहीं देती। उन्हें ही सक्सेस मिलती है जो लगातार मेहनत करते हैं। आज उन्हीं में से एक अभिनेत्री हमारे समक्ष हैं, सागरिका जी। आइए उनसे जानते हैं कि उनका स्ट्रगल कैसा रहा। I have started from 2015. मेरा first it was not a film, it was not a serial. That was a contest, or that was a beauty contest, you can say. That was Miss Princess of India 2014, and I was the winner of 2014 Miss Princess of India. Journey वहाँ से start हुई, then I feel like कि मैं कुछ कर सकती हूँ, because that was also a big competition. मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं होगा, but somehow I managed it, and I won that competition. Then finally I debuted from south. एंड देन मेरे साउथ की पहली फिल्म जो आरती अग्रवाल जी के साथ थी, उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और ज़्यादा बिल्डअप हो गया। एंड लकीली आई फील आई एम लकी एंड आई एम ब्लेस्ड कि मुझे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले। बट आज तक मैंने ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि मैं लकी हूँ कि मैंने मेहनत नहीं करी है। मैंने मेहनत करी है, लेकिन उसके बाद मुझे अच्छे प्रोजेक्ट मिले। तो जैसे कि आपने बोला कि लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं पर उनको नहीं मिल पाता, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है उनके स्ट्रगल में। बिकॉज टाइम इज़ मनी आई बिलीव, एंड मुंबई में हर इंसान इतना भाग रहा है, इतना दौड़ रहा है, किसी के पास टाइम ही नहीं है। तो अगर आप टाइम को वर्कशिप करेंगे तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। एंड देन वहाँ से डेब्यू करने के बाद आई वॉज 2017 में मैंने डेब्यू किया अपना बॉलीवुड से, दैट वॉज लव यू फैमिली। आप लखनऊ से हैं, एक ब्राह्मण फैमिली से, तो आप बताइए कि कितना मुश्किल था सबको कन्विंस करना कि मैं बॉलीवुड में कदम रखूँगी और मैं एक्टिंग में अपना करियर परस्यू करेंगे, बताइए इसके बारे में। तो ये बिल्कुल इजी नहीं था, बहुत टफ था। इनफैक्ट मैं मॉम डैड को अभी तक ये बोलती हूँ कि मैं कर लूँगी, मतलब अभी तक ये बोलती हूँ। इतना टाइम नहीं हुआ मुझे इंडस्ट्री में आया हुआ, इट भी ऑलमोस्ट 4 साल अब कंप्लीट होने वाले हैं मुझे। तो उसके बीच में मैंने बहुत मेहनत करी है, एंड फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत के बाद, ऐसा नहीं बोलूँगी मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई हूँ, बट हाँ, जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार था कि आई ऑलवेज वॉन्ट टू डू अ फिल्म ऑफ अ गर्ल ऑफ अ वुमन ओरिएंटेड फिल्म, वो फाइनली आई एम डूइंग इट। और मुझे अच्छा लग रहा है कि वो रिलीजिंग पे है। सो अबाउट कीप सेफ डिस्टेंस, आई एम सुपर एक्साइटेड, मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस फिल्म को लेकर, क्योंकि इसका मैंने बहुत इंतज़ार किया है उसके लिए। मतलब अभी ये फिल्म हमने बनाई नहीं है, इट वॉज ऑलमोस्ट 17 एंड थोड़ा पैच अप बचा था जो हमने 18 में कम्प्लीट किया है। बहुत मुश्किलों के बाद फाइनली वी आर रिलीजिंग दिस फिल्म, एंड आई एम लाइक सुपर एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म, क्योंकि इस फिल्म को देखने के बाद लोगों का नज़रिया बदल जाएगा मेरे प्रति। बिकॉज आई एम फ्रॉम लखनऊ एंड आई बिलीव इन मी दैट कि मैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे बोल्ड रोल नहीं कर सकती हूँ। मैंने ऐसा कुछ बोल्ड किया भी नहीं है इस फिल्म में, बट फॉर मी दैट इज़ ऑल्सो बोल्ड। जो पोस्टर है एंड जो सीन्स हैं, मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जो मेरे जितने फैंस हैं जो बोलते हैं कि मैं मोस्टली मैं इंडियन पहनती हूँ, लोग बोलते हैं कि मामा फ़ोटो भेजो या फिर लाइव चैट पे आप किस करके ऐसा हाथों से करो, मैं कभी नहीं करती हूँ ऐसा। तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं, मेरे को बिल्कुल अलग अवतार में देखेंगे, वो ऐसा बोलेंगे कि ऐसी भी सगारिका हो सकती है एंड ऐसी नेहा हो सकती है, ऐसा लोग सोचेंगे। तो ये बहुत एक्साइटिंग है एक्चुअली। आप अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में भी हमें बताइए, कौन कौन सी मूवीज़ आने वाली है या कौन से प्रोजेक्ट्स में आप अभी रिसेंटली काम कर रहे हैं। जी, सो आफ्टर दिस फिल्म माय फिफ्थ फिल्म विल बी रिलीजिंग ऑन 3rd January, विच इज़ लाइक आई नो यू, जो मैंने ऑलरेडी पहले ही बोला था कि आई नो यू जो एक हॉरर फिल्म है, मुझे एक हॉरर फिल्म भी करनी थी, बिकॉज मैं बहुत बड़ी डरपोक हूँ, बहुत ज़्यादा ही बड़ी डरपोक हूँ। मैं रात में अकेले नहीं सो सकती हूँ और लाइट बंद करके तो बिल्कुल नहीं सो सकती हूँ। सो मेरा डर बहुत हद तक एक्चुअली कम हो गया, मुझे ऐसा लगता है इस हॉरर फिल्म को करने के बाद। एंड दिस कैरेक्टर इज़ लाइक, मुझे कैरेक्टर इतना पसंद है, दैट कैरेक्टर नेम इज़ योगिता, मेरा नाम योगिता है, जो एक क्या बोल सकते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती है, उस लड़की का काम है। एंड शी बिलीव्स इन गोस्ट, सबसे बड़ी बात है, बिकॉज इन दैट स्टोरी नो बडी बिलीव्स इन गोस्ट। लोगों को ऐसा लगता है कि भूत होते ही नहीं है, बट आई बिलीव इन गोस्ट कि होते हैं। तो ये वहाँ पे भी एक योगिता की एक अलग ही स्टोरी दिखाई है। सो मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि इस फिल्म के बाद लोगों को लगेगा कि सगारिका सोनिया बन गई, बट उसके बाद लोगों को लगेगा सोनिया योगिता बन गई, तो दैट्स टोटली डिफरेंट। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को देखना चाहिए, अच्छा लगे। सो मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जाइए और मेरी फिल्म देखिए ना, मतलब 15 तारीख को आने वाली है। कितने दिन बचे, 3 दिन बचे हैं, ऑलमोस्ट 3 डेज बचे हैं। सगारिका को देखिए कि सोनिया ATM कैसे बनती है, दैट सोनिया ATM, वो बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। वो मैं थोड़ा सा बता दी है, आप लोगों को बताना तो नहीं था। वो देखिए और उसके बाद वेट करिए कि
सगारिका सोनिया तो बन गई, अब योगिता कैसे बनती है? सो दैट्स ऑल्सो डिफरेंट स्टोरी एंड आपको सच में डर लगेगा क्योंकि मुझे हॉरर फिल्म बहुत पसंद है और मैं डरती ही बहुत हूँ, तो वो फिल्म बिल्कुल अलग है, इससे आपको डर लगेगा। तो गो एंड वॉच माय फिल्म एंड मुझे प्लीज़ प्यार देते रहिए, ऐसे ही बहुत सारा लखनऊ वालों, आई लव यू ऑल, आप लोग इतना प्यार करते हैं मुझे, मतलब कहीं कोई करे ना करे लखनऊ वाले तो हमेशा ही करते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव ऑल ऑफ यू जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे इतना प्यार करते हैं। तो प्लीज़ जाइए मेरी फिल्म देखिए और अपने फैमिली वालों को दिखाइए और फ्रेंड्स को भी दिखाइए और मुझे ज़रूर मैसेज करिएगा, DM करिए मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे करिए, हर जगह करिए जहाँ भी आपको लगता है मैं अवेलेबल हूँ, प्लीज़। जो स्ट्रगलर्स आते हैं डिफरेंट सिटीज़ से, मतलब जो अपने आप को चाहते हैं कि वो भी अपने आप को बड़ी स्क्रीन में देखें, उनके लिए क्या मंत्र है आपके पास, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? अच्छा, तो आपने बोला जो स्ट्रगलर्स आते हैं, मैं ही बहुत छोटी सी जगह से हूँ, लखनऊ आज काफ़ी बड़ा हो गया है पर इतना बड़ा नहीं था जब मैं आई थी, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थे। इनफैक्ट मेरे लिए आज भी आई एम द सिंगल डॉटर ऑफ माई पेरेंट्स, मेरे 3 भाई हैं, मतलब मैं अकेली लड़की हूँ, पर अकेली लड़की के ऊपर और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, अकेली लड़की है तो कैसे। एंड माई डैड इज़ ऑपोजिटिव, ही इज़ माई बॉडी गार्ड है एक्चुअली, पापा मेरे बॉडी गार्ड है, तो मैं बॉयफ्रेंड के बारे में तो सोच भी नहीं सकती, कहीं तो सॉरी बता दूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ पे काम करने आया ना, उन्हें सिर्फ काम करना चाहिए। मुंबई माया नगरी है, अगर आप यहाँ की माया में चकाचौंध में घूम जाओगे ना, तो आप पता नहीं चलेगा आपका कहाँ चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ऐसा नहीं है कि मैं ही बोल दूँ कि वो नहीं कर पा रहे हैं या वो ट्राई नहीं कर रहे, कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो कमी है, वो कमी क्या है वो जानिए और टाइम बिल्कुल मत वेस्ट करिए। बिकॉज मैं ऐसी लड़की थी कि मैं बहुत टाइम बर्बाद करती थी, अपने में बहुत बिजी रहती थी, मुंबई आके मैंने टाइम की वैल्यू सीखी है, मैंने मनी की वैल्यू सीखी है। तो टाइम इज़ मनी, टाइम को यूज़ करिए और प्लीज़ अपना काम करिए, आई होप आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। आपके जो आने वाला प्रोजेक्ट्स हैं और फिल्म्स हैं वो सब बहुत ही अच्छी जाएँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। दर्शकों, हमारे साथ थी सागरिका जी, जिन्होंने अपनी मेहनत से बहुत ही बड़ा नाम कमाया है बॉलीवुड में, आप सब भी कमा सकते हैं, बस चाह है तो राह है।